सोचा हम डेट पे जाएंगे तो है, हम बीच में चल रहा है कुछ ये बोलेंगे नहीं। गुड मॉर्निंग OMG फैमिली। सो गाइस, दिन की शुरुआत मैं करती हूँ ग्रीन टी के साथ। एंड आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं आदित्य के कमरे में क्या कर रही हूँ। सो गाइस, मेरे कमरे की हालत इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि अगर मैंने इसको वीडियो में ले लिया तो मेरी मम्मी मुझे पूरा लेक्चर सुनाएंगी कि तूने वीडियो में लेने से पहले इस कमरे को साफ क्यों नहीं किया। बट सीरियसली बहुत ज्यादा खराब है। सो आई थॉट कि मैं आदित्य के कमरे में आके वीडियो की स्टार्टिंग कर लूँ। अपना रूम भी वैसे मैं आपको दिखाऊंगी अगर आप चाहते हो, बट चलो कोई बात नहीं, आई स्टिल शो यू। मार भी खा लूंगी आप सबके लिए कुछ भी। तू शेर क्यों बनता है अपने आपको, खा जाएगा गंदी के डॉगी तेको। सुबह सुबह इस डॉगी ने हमें डरा दिया। मतलब इसका हर बार का काम है, जितनी बार बाहर जाएगा इसको बड़े कुत्तों से, गली वाले कुत्तों से पंगा लेने की इतनी आदत है, इतनी आदत है। शेर बनता अपने आपको। हाथ के नीचे क्या है? नहीं, हड्डी छुपा रहे। दादू, ये हड्डी किसने दी है? ये हड्डी किसने दी है आपको? किसने दिया? किसने दी हड्डी? ओह, देना बॉल, देना इसकी। ये ले। ओह, शेयर करता है आपको। ओए, ओए, चलो उठियो। ये रही पापा की चाय। पापा, आदि, जब आदित्य और पापा छत पे हैं। एंड शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि हम अभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, सून, एज सून एज पॉसिबल। तो उसी की तैयारियां चल रही हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इस टाइम दोनों इस टाइम छत पे बिजी हैं, दोनों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। अभी देखना, मैं इसको दूंगी नहीं तो कैसे चिल्लाएगा मेरे पे। उल्टी की कल, उल्टी की कितना गंदमन खा के उल्टी की आपने। अभी भी खाना है, अभी भी खाना है, कर दो पिटी पिटी सब लोगों के। अभी भी खाने की तरफ भाग रहा है। क्या करे ऐसे इंसान का, मतलब ऐसे कुत्ते का। इंसान है। मेरी जो दादी थी, खाना खाने से पहले सबसे पहले अपना जो खाना है वो जैसे गाय के लिए रख दिया, डॉग्स के लिए रख दिया, ऐसे तीन चार खाना निकाल के रखती थी, उसके बाद वो खुद खाना खाते थे। शहर में यहाँ पे गाय वाय तो कहीं मिलती नहीं है, तो उन्होंने इसी कोई गाय, इसी कोई कुत्ता, इसी कोई पंछी, सारा भी जो अपना खाना निकालती थी सब इसी को जाता था, है ना। बिगड़ी हो रात, बिगड़े हुए कुत्ते मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है कि मुझे मेरी पिटी पिटी मत करो। मैं भी खाना देती हूँ, इससे पहले सबको भूखों की तरह देखे। चलो, टैडू को आज अंडा मिलेगा, मेरे बच्चे को आज मेरे अंडे की तरफ नीत, मेरे को कुछ पचा नहीं तेरी वजह से। चलो जी, अब टाइम आ गया नहा धोने का। और वैसे तो मैंने कल अपर लिप्स, आईब्रो वगैरह करवाया है, बट फिर भी मुझे ना बहुत ज्यादा ऐसे स्किन बढ़िया टैन सी लग रही है, तो मैं सोचू कि अपने फेस पे कुछ अप्लाई कर लूं, उसके बाद मैं नहाऊंगी। ये फेस पैक मम्मी पापा लेके आए थे केरला जब वो गए थे। एंड मुझे ना, सच्ची में बताऊँ, मुझे ना केमिकल चीज़ें इतनी पसंद नहीं आती हैं। अगर किसी भी चीज़ में लिखा होता है आयुर्वेदा और वो प्योर हो तो मैं चीज़ उसी टाइम खरीद लेती हूँ। तभी हम निकले हैं रेलवे स्टेशन की और मेरी बुआ जी को छोड़ने के लिए। ये हमारी डॉन बुआ। बुआ हेलो कर दो। हाय। ये हमारी सबसे छोटी बुई है और ये हमारी बुआ कम फ्रेंड ज़्यादा है। और बुआ जी को हमने ड्रॉप कर दिया और अभी मैं अपना कर रही हूँ लंच। उसके बाद अभी आगे थोड़ी देर में ओंकार, ओंकार के साथ अभी जाना है और थोड़ा सा काम है, तो मैं अपना लंच पहले कर लेती हूँ, क्योंकि जब मुझे पता होता है कि हमने बाहर जाना है तो कुछ ना कुछ गंदमंद खाया जाएगा, तो आई लिटरली अवॉइड दैट। तो मैं पहले से अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी है पहले करके रखती हूँ, सो दैट मैं बाहर जाके यू नो अनहेल्दी चीज़ें ना खाऊँ। ओंकार पहुँच चुका है, सो प्रोटीन शेक चेक, किनू चेक। अब पता चला मैं इतना बड़ा झोला लेके क्यों घूमती हूँ, यही राज है। हेलो, वाओ, लाइफ इज अमेजिंग। लाइक कल कैमरा ऑन था और मैं गाड़ी में घुसा था और आज ऑन कैमरा गाड़ी के अंदर घुस रहा है। वाओ, लाइक मतलब कि एंड कल बात हुई बढ़िया यार, व्लॉगर लाइफ इज अमेजिंग। सीरियसली, मैं आधे घंटे से इसको पूछ रही तेरा क्या प्लान है, आधे घंटे से ये मुझसे पूछ रहा है तेरा क्या प्लान है। मैंने तो प्लान किया, मैंने सोचा हम डेट पे जाएंगे। लोग मतलब कि बहुत रोमांटिक डेट पे जाते हैं, बट ओकार चैंपियन ऐसी डेट पे लेके जाएगा ना तुझे। मैं सोच रहा हूँ चलते हैं, हाथ पकड़ा हुआ मतलब देखो है, बीच में चल रहा है कुछ, ये बोलेंगे नहीं, डेट के लिए खुश भी हो रही है। सच्ची? हाँ चलते हैं। फिर तुम मुझे डांट करो था ऊपर, इतने जीत से बोल रहा था ये भी लिया वो भी लिया। मैंने जगह सरप्राइज प्लान किया हुआ है ना, कहाँ लेके जाऊंगा। पहले गुस्सा दिलाना होता है फिर सरप्राइज देना होता है। गुस्सा मैंने तू मेरे से बात ऐसी हुई, तू मेरे से पूछी जा रही है कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, मैंने सरप्राइज प्लान किया नहीं बताना कहाँ जाना है।
अभी भी नहीं बताया कहाँ जाना है, बताते हैं अभी, लेके चलते हैं। सरप्राइज प्लान किया? सरप्राइज तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं अपनी अंबानी का बेटा हूँ, मैंने पूरा का पूरा होटल बुक करा दिया कि यहाँ पे फूल बिछा दो। मैं तो लड़कियाँ ऐसे सोचती है, लड़कियाँ ऐसे सोचती है। लेके जा रहा हूँ यार, गर्मी लग रही है, जैकेट है ना, गर्मी हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, मैंने बहुत मोटी जैकेट पहनी हुई, उतार देती हूँ। लोगों को बताना हम किस टाइम कहाँ पे, देखिए लोगों को भी दिखाते हैं ना, ऐसे बताना थोड़ी है, दिखाना है। मतलब मैं लोगों को बता दूँ ना हम कहाँ पे, वो भी मना कर देंगे कि हमें नहीं जाना। नहीं जाना है, हाँ तो सही। ओ यार प्लीज। सरप्राइज है ना, मतलब मैं जहाँ पे मुक्ति को लेके आया हूँ वो है ये मेला। भाई साहब मुझे 1.5 साल हो चुका है मेले नहीं गए, तो चलो मुक्ति आर यू एक्साइटेड? आई एम नॉट एक्साइटेड, पर जो इतने प्यार से लेके जा रहे थे चलिए जाते हैं, चलो। मुंह पे बोल रही है नॉट एक्साइटेड। इसको मेला लेके आना तो महंगा पड़ गया, पहले मेले की टिकट होती 10 रुपए, नाउ इट इज ओ माय गॉड 2000 रुपीस की टिकट, ऐसे में कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा। जिम बड़ा प्यारा है ये, 150 का, ये भी 150 का जी। क्या लग रही है, ऐसे लग रहा है कुत्ते का पट्टा है ना। मुझको लग रहा है मैंने गलती कर दी कि मैंने मेले का प्लान डिसाइड कर लिया था, क्योंकि 15 मिनट हो गए हुए यहाँ पे लगी हुई है शॉपिंग कर रहे, मतलब वो बंदा करे तो करेगा, मतलब मर्दों की लाइफ क्या है, लड़कों की क्या जिंदगी है, मतलब यार ये देखना उनका है, ये देख, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है ना, ये साड़ी के साथ कितना अच्छा लगेगा। मैं क्या करूँ, ऐसा हुआ है कि लड़की आई है उसने एक चीज देखी और फाइनल कर ली? नहीं ऐसा नहीं है, कभी नहीं हुआ, मतलब मिनिमम मतलब कितना देखा है? मिनिमम कम से कम 10 से 11 जरूर देखते हैं, मिनिमम कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा सारी दुकान देख लेती होगी। और कई बार ऐसा होता है देख के वापसी चले जाते हैं, ज्यादातर यही होता है, हमारे वाले भी वापस ही जाने वाली है। तुम चाहते मैं खरीदू या ना, मैम लेके जाएगी ऐसी बात, मतलब यही होती है सेल्समैन वाली बात, तो खरीदना पड़ेगा मुझे लग रहा है। पर बेशरमे चले जाएगी अभी भी, लग नहीं रहा है पर ऐसा। भैया ने पूरी होप लगाई हुई है गाइस, आपको क्या लगता है मुक्ति खरीदेगी नहीं खरीदेगी? 20 मिनट की मेहनत के बाद मुक्ति ने शॉपिंग कर ली और मैं तो ये इंप्रेस हूं, खरीद लिया मैडम ने मुक्ति। वो भैया मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं ले ही लेती हूं। तो ले लिया, और अब हम ना स्टूडियो के लिए थोड़ा कुर्सी वगैरह भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको जल्दी स्टूडियो का टूर भी देना है यार। एक चीज अच्छी लगी यार मुक्ति, मतलब काफी ट्रेडिशनल सा है, और मतलब चंडीगढ़ में वैसे ऐसी चीजें नहीं मिलती, मुझे ना चीजें बहुत कम पसंद आती हैं, ये थोड़ा ना एंटीक साइड पे, तो ये मुझे बहुत अच्छा, और प्राइस भी ठीक है मेले में, मैं सोच रहा था प्राइस भी, प्राइस मुझे लगा हाई होगा बट प्राइस भी ठीक है, और ये भी अभी नेगोशिएट होते हैं, मतलब ये नहीं है कि जो प्राइस बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नॉर्मली बताएंगे, बट जो हाथ का काम है और वो सब स्टूडियो के लिए ले यहाँ से सामान, मैं तो सोच रही हूँ कि ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मिलने वाले तो कभी लगते हैं। यहाँ में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की आइसक्रीम देख ली, देसी आइसक्रीम, उसको ट्राई करना भी बनता है यार, पर ऐसी देसी आइसक्रीम कभी मैंने नहीं देखी ना, मैं पहली बार ट्राई करूँ, मैंने वीडियोज में देखी है पर आज लाइव में पहली बार ही वैसे देखी और खा रहा हूँ, ये लिखा दी प्यार सच्चा प्यार। यार हम हर जगह पे फूड ब्लॉगिंग करने लग जाते हैं, तो फूड ब्लॉगिंग ज्यादा नहीं होगी इसमें। कट कट। मेले में आने का मेन पर्पस था मेरा झूले, बट धूप इतनी ज्यादा ना कि अभी झूले लिए नहीं जाएंगे, मैं सोचता हूँ एक स्पेशल वीडियो करते हैं कि मेले में आके एडवेंचर करना है, और मुक्ति को यार ये वाले पे चढ़ा के ना ऊपर रोक देनी है, मतलब मजा आ जाएगा। ओ वाह जमा कुत्ते के बाल लग रहे हैं, पर एक चीज है नेचुरल लग रहे हैं सच्ची में, अगर इस वीडियो पे 1 लाख लाइक्स आ गए ना मुक्ति का असली बालों का कलर ये करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो पे 1 लाख लाइक्स आ ही नहीं सकते। हाय बस करो यार, 2 घंटे हो चुके हैं, प्लीज चलो 500 के 2 यार बस आ जा मुक्ति प्लीज, मतलब मैंने सच्ची में ना मुझे लग रहा है मैंने गलती कर ली है कि मेला सोच लिया था यहाँ पे लेके आऊंगा इसको, चले क्या? पहले नखरे मार रही थी और अब देखो, आ जा चल मैं जा रहा हूँ, आ जा बाय 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 बाय, मेरा एग्जिट हो गया, मैं मेले से निकल ही गया हूँ, अब अपने आप आ जाएगी, मैं नहीं तो गाड़ी लेके ही चले जाऊँगा। और वैसे मेरे पीछे देख रहे हो पान वालों का ना एक मुझे बढ़िया चीज़ लगती है कि लाइक खिलाते तो चलो पान ही है, पर खिलाते वक्त ना शायरी मारते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अब हम आएंगे ना एडवेंचर के लिए, उस टाइम पान भी खाएंगे। सो गाइस आफ्टर सच एन अमेजिंग डेट, अमेजिंग नहीं सस्ती और जुगाड़ू डेट, सो गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, जो कि मैंने बोला कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, जहाँ पे बैठ के थोड़ी सी मैं एडिटिंग भी करूँगी वीडियो के लिए। बेसिकली देखा जाए ना अब एक प्रॉपर डेट करने वाले हैं, जिसमें हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे प्यार भरी, हाँ। और थोड़े से काम की डिस्कशन भी करेंगे एंड बस खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे और क्या।
का व्लॉग यही खत्म। अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शाबाश है, गुड नाइट, बाय 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 बाय।